दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,66,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इसके अलावा मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 6,55,000 को वो संख्या पार कर गई। अभी तक इस बीमारी से 1,02,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए। दुनिया भर में अभी भी 57,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल मौजूद है जिनका इलाज जारी है। और देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 14,00,000 के आंकड़े को पार कर गई। देश भर में कोरोना से अब तक 14,83,156 लोग संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33,000 के पार हो गई। कोरोना से अब तक 33,425 लोगों की देश से मौत हो गई। देश में कोरोना के अब तक 9,52,743 मरीज स्वस्थ हुए जो कि राहत की बात। फिलहाल अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,96,988 एक्टिव केसेस। देश भर में 24 घंटे में 47,703 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए और 24 घंटे के भीतर देश भर में 654 लोगों की मौत भी हो गई। 24 घंटे में कोरोना से अगर स्वस्थ हुए इलाज के बाद लोगों की बात करें तो 35,175 वो संख्या रही जो कि हल्की राहत की बात इन सभी के बीच में। और राजस्थान में भी कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। आज 406 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। अजमेर से 42 मामले, अलवर से 179, बांसवाड़ा से 11, बारा जिले से 4, बाड़मेर से 16, भीलवाड़ा से 26, दौसा से 2, श्रीगंगानगर जिले से 14 केसेज आज सामने आए। राजधानी जयपुर से 44 केसेज आज देखने को मिले। झालावाड़ से 1, झुंझुनू से 13, कोटा से 15 और नागौर से 36 मामले सामने आए। सवाई माधोपुर से भी आज एक व्यक्ति कोरोना का संक्रमित मिला है। बाहरी राज्यों से अगर व्यक्ति जो मिले हैं वो 2 व्यक्ति कोरोना के पॉजिटिव आज मिले। राजस्थान में इसी के साथ कुल संख्या बढ़कर हो गई है 37,970। प्रदेश में बता दें कि कोरोना से आज 7 मरीजों की मौत भी हुई और मरने वालों का जो आंकड़ा है प्रदेश में वो हो गया है 640। फिलहाल राजस्थान में कोरोना के 10,452 एक्टिव केसेस फिलहाल मौजूद। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अलवर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जिस प्रकार का विस्फोट लगातार अजमेर में देखने को मिल रहा है, लगातार 4 दिन से 100 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, क्या कारण बताए जा रहे हैं फिलहाल इन सब चीजों के? क्या वहां पर कुछ ऐसा संक्रमण तरीके का फैला है और फिलहाल उससे निपटने के क्या इंतजाम है? चंद्रशेखर बताएं। ज्योति, बताना चाहूंगा कि जो अलवर में कोरोना संक्रमण की स्थिति है बाकी दयनीय होती जा रही है और लगातार विस्फोट हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 का और 13 शतक यहाँ पर संक्रमण का लग चुका है। 25 जुलाई को जहाँ 333 संक्रमण के केस सामने आए थे, वहीं 26 जुलाई को भी 200 से अधिक केस यहाँ पर आ चुके हैं। और आज की जो बात करें, अभी तक जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें 179 केस सामने आए हैं। सबसे अधिक जो कोरोना का स्पॉट अलवर में बनता जा रहा है वो अलवर सिटी और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना को देखते हुए होम क्वारंटाइन उल्लंघन पर काफी सख्ती दिखाते हुए रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है, RRTP, जो कि पूरी निगरानी रखेगी कि जो भी कोरोना संक्रमण आता है, पॉजिटिव आता है, वो घर पर ही रहे या फिर जो COVID-19 सेंटर बनाए गए हैं वहीं रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि यह संक्रमण फैल रहा है। तो फैलने के रोकने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से प्रदेश का चिकित्सा महकमा इस चीज की व्यवस्था कर रहा है कि जिस भी जिले में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, अगर बूंदी की बात की जाए तो वहां पर भी 7 दिन के लिए लॉकडाउन है, तो क्या अब वहां पर आपके जिले में अलवर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था, इस प्रकार की कोई खबर? क्योंकि 100-150 से ज्यादा मामले रोजाना के यहाँ सामने आना मामूली बात नहीं है। चंद्रशेखर, बिल्कुल
जयति, प्रशासन की ओर से व्यापारियों और अलवर के पार्षदों की मीटिंग का आयोजन किया गया है। लॉकडाउन की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टि बात आ रही है व्यापारियों और आमजन की तरफ से, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और व्यापारियों को नुकसान नहीं हो और कोई पैनिक ना फैले, इसकी वजह से प्रशासन ने कुछ ढील दी है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की है, उसकी सख्ती से पालना के लिए भी एक्स्ट्रा तैयारियां अलवर में की गई है। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश भर में अगर जिलेवार बात की जाए तो अलवर में फिलहाल जो कोरोना का विस्फोट है एक तरीके से, वो देखने को मिल रहा है। 25 जुलाई की अगर बात की जाए तो 333 मामले वहां से सामने आए और लगातार केसेस में बढ़ोतरी वहां पर हो रही है। 100 से 150 के बीच में ये आंकड़ा 12 घंटे के भीतर ही पहुंच जाता है रोजाना। तो प्रशासन की ओर से तमाम यहाँ व्यवस्थाएं हालांकि की जा रही है, लेकिन जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजमेर से हमारे सहयोगी नितिन मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजमेर से क्या स्थिति बन रही है नितिन, फिलहाल बताएं। देखिए, अब आप तो बता सकते हैं, पहले से आज सुबह जो 56 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जी, और उसके अलावा अभी सैंपल का मामला बहुत गति से चल रहा है, जिसमें सैंपल अभी जो हो चुके हैं अजमेर में 46,450 सैंपल लिए जा चुके हैं। उसमें जैसे जैसे रिपोर्ट आती है ना जी, उसके बाद उनको टोल लाइन किया जा रहा है, अपने होम टोल लाइन है, चाहे जिला अस्पताल है, चाहे कोविड 19 जहाँ जहाँ सेंटर बने हुए वहाँ उनको भेजा जा रहा है जी। नितिन, एक और चीज बताएं, अजमेर के वो कौन से इलाके हैं जो अभी ज्यादा संकट की स्थिति में देखे जा रहे हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं जिन्हें ज्यादा निगरानी में रखा गया है फिलहाल? फिलहाल सबसे ज्यादा मामला अभी पाजंत में आ रहा है, जो अभी अजमेर का हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरा एरिया जी, उससे पूरी बैरी की हुई है, पुलिस की मौजूदगी में सिपाही बैठे गए हैं वहाँ पर, और वहाँ तस्वीर भी ऐसी सामने आ रही थी, किसी का मतलब कोई डर नहीं है जी, आम अपनी वहाँ ऐसे ही घूम रही है। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश भर से यहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो दिन ब दिन एक तरीके से संकट की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। राजस्थान में तेजी से जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ रहा है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में अगर बात करें तो 37,970 तक पहुंच गई है, 38,000 के आंकड़े को छूने वाली है ये संख्या, और 10,000 से ज्यादा फिलहाल एक्टिव केसेस प्रदेश में मौजूद। और भीलवाड़ा से अधिक जानकारी के साथ एवं संवाददाता योगेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, बताएं भीलवाड़ा की फिलहाल क्या तस्वीर है कोरोना के संबंध में, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हैं? भीलवाड़ा में कोरोना की स्थिति की बात करें तो डे पर डे भयावह होती जा रही है। पर डे यहाँ कभी 50, कभी 49, कभी 48, कभी 25 इस तरह के कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जी। और भीलवाड़ा से एवं संवाददाता को सुन रहे थे आप, बताया किस प्रकार से भीलवाड़ा जो कि एक प्रकार से एक समय पर कोरोना के प्रारंभिक काल में पूरे देश के लिए और विश्व तक भी उसकी पहचान पहुंची, भीलवाड़ा मॉडल जो था वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जैसे संक्रमण बनता जा रहा है और बड़े बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी इस चीज की आशंका जाहिर की थी कि जून और जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो ज्यादा पीक टाइम रहेगा कोरोना का, ज्यादा क्रूशियल हो सकता है, और वही सब देखने को मिल रहा है। पैनिक क्रिएट करने की फिलहाल भी आवश्यकता नहीं है, जो कि प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो काफी माकूल है वो व्यवस्थाएं, और लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा दिनों दिन बढ़ाई जा रही है। और झुंझुनू से अधिक जानकारी के साथ एवं संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, बताएं झुंझुनू में फिलहाल क्या स्थिति, कोरोना की क्या व्यवस्थाएं वहां पर? जी जैसे आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर भी जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है। आज सुबह भी एक बड़ी खबर झुंझुनू के अंदर सामने आई है, 13 कोरोना पॉजिटिव केस जो झुंझुनू के अंदर निकल रहे हैं, और इसी के साथ झुंझुनू के अंदर अभी तक कुल 564 कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो झुंझुनू में हो चुकी है। इसी में खास बात यही है कि 8 जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो पहले के जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उन्हीं के संपर्क में आए लोग हैं, बाकी से जो बाहर से आए लोग हैं जी। सुजीत, आने वाला सीजन चूंकि त्योहारों का सीजन है तो लोगों की भीड़ भी बाजारों के लिए निकलेगी, और व्यापारियों में भी इस चीज का हल्का सा उत्साह है कि बहुत टाइम के बाद में बिक्री की संभावना है, लेकिन इस प्रकार से कोरोना का चूंकि काल चल रहा है तो क्या व्यवस्थाएं व्यापारियों के द्वारा और क्या सामंजस्य जनता और व्यापारियों के बीच में? The person you are speaking.
राजस्थान में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो अधिक गंभीर होती जा रही है। 37,970 फिलहाल एक्टिव केसेस, माफ कीजिएगा, फिलहाल अब तक केसेस हो गए हैं और 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल प्रदेश में। 640 लोगों की मौत भी हो गई है। राजस्थान में कोरोना का जो कोहराम है वो जारी है। आज की अगर बात करें तो 406 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। अजमेर से 42, अलवर से 179 मामले, विस्फोट एक तरीके से वहां देखने को मिला। बाड़मेर में 16, जयपुर में भी 44 मामले, झालावाड़ में 1, झुंझुनू से 13, कोटा में 15 मामले। और अलवर के भिवाड़ी में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर आज 69 नए मरीज सामने आने के बाद प्रशासन फिर हरकत में आ गया। तो वहीं अकेले भिवाड़ी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1024 हो गई है। हालांकि बात अगर रिकवरी रेट की हम करें तो भिवाड़ी में रिकवरी रेट में भी गति देखने को मिली। यहां पर अब तक 6,813 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 4,619 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। फिलहाल भिवाड़ी में 412 एक्टिव केसेस हैं और 612 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अलवर के लिए कहा है वही भिवाड़ी में भी है। हालांकि वहाँ पे इंडस्ट्री धीरे धीरे वापस चालू हो गई है और उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये डायरेक्शन है कि उनके यहाँ कोई भी पॉजिटिव आता है तो वो इन हाउस क्वारंटाइन की फैसिलिटी रखें और ये लोग बना भी रहे हैं। तो हमें यही एक तरह से बैलेंस करके चलना है कि हम सभी को परमिशन तो सभी चल ही रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक रूप से और एक अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुके नहीं, बट जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर हम 3 दिन फैक्ट्री बंद कराते हैं, उसकी सैनिटाइजेशन कराते हैं, उसके जितने भी काम करने वाले वहाँ पर लोग हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद उनको हम वापस चालू करने की परमिशन देते हैं। तो इस तरह से काम चल रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता राजेश शर्मा भिवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से स्थिति गंभीर होती जा रही है और भिवाड़ी भी कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्या व्यवस्थाएं फिलहाल वहां पर आगे की स्थिति से निपटने के लिए, चूंकि आने वाला सीजन त्योहारों का सीजन है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मेडिकल टीम है यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, उसके बावजूद ही भिवाड़ी के अंदर क्या है कि 6813 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है जिसके अंदर से पॉजिटिव केस 955 और नेगेटिव 4619 हुए हैं जी। और जो आज की अगर हम बात करें तो आज की डेट के अंदर हमारे यहाँ पे 300 कल तक 343 केस एक्टिव थे और 612 केस डिस्चार्ज होकर के चले चुके जा चुके हैं अपने अपने घरों को जी। मैम, और मैं इससे ज्यादा क्या है कि यहाँ पे बहुत ही 178 कंटेनमेंट जोन है और हर एक जोन के ऊपर उन्होंने अपने पुलिस जाब्ता तैयार किए हुए हैं और यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया गया है जिनके के अंदर की कॉलोनियां हैं, जो लेबर कॉलोनियां हैं उनके अंदर क्या है कि उसके अंदर वहाँ पे टॉयलेट एक होने के कारण वहाँ पे पूरी फैसिलिटी ना मिलने के अंदर भिवाड़ी के अंदर 4 होम कोविड सेंटर बनाए गए हैं। उसके अंदर 106 लोग वहाँ पे 106 पेशेंट हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। राजेश, आने वाला जो समय है चूंकि वो त्योहारों का समय है और अभी फिलहाल जैसे प्रदेश में स्थितियां बनी हुई है, ये बात भी सामने आ रही है कि जिन जिलों में जिस जगह पर ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन भी लग सकता है, तो कि फिलहाल क्या भिवाड़ी से ऐसी कोई खबर सामने आ रही है और अगर ये चीज होती है तो व्यापारियों में किस प्रकार की फिलहाल सामंजस्य और समझदारी देखने को मिल रही है? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर क्या गया कि वीकली 2 दिन लॉकडाउन किया गया है, शनिवार और रविवार को जी। तो और जितने भी कंटेनमेंट जोन है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर की पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज को 3 दिन के लिए बंद करके उनको सैनिटाइज किया जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया राजेश। आने वाला जो समय है वो प्रशासन के ऊपर है। अभी जो आईजी साहब हैं वो यहाँ का मुआयना करने के लिए भिवाड़ी के अंदर आए हुए हैं, वो सभी कंटेनमेंट जोनों को और पुलिस व्यवस्था को इसके लिए वो जायजा ले रहे हैं जी।
मैम आने वाला समय के लिए प्रशासन और व्यापारी बिल्कुल सजग और तैयार है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।